पाकिस्तान में लोग फेसबुक पर अपनी सही इंफॉर्मेशन नहीं देख नहीं डाले फेसबुक को नहीं चाहिए मैं आपको बताता हूँ फेसबुक एल्गॉर्ड कैसा काम करता है हाँ। आपने जाके आपको लगता है कि सिर्फ आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो होगा ऐसा नहीं है फेसबुक के पास आपकी गैलरी तक का एक्सेस है आपके माइक तक का एक्सेस है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने हर मीटअप में एग्जाम्पल देता हूँ हर जगह एग्जाम्पल देता हूँ मैं चाहता हूँ ये एग्जाम्पल जो है ना दुनिया पूरा पाकिस्तान समझ ले लेपल तभी मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ मेरे साथ हुआ था मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी तीन महीने चार महीने की थी तो मैं घर गया हफ्ते की रात को ऑफिस से लेट हमें अगले दिन शॉपिंग पे जाना था वाइफ मेरी वाइफ को मुझे तो मैंने देखा मेरी बेटी के जो ना चेहरे पर दाने हो रहे हैं और मैंने बोला ये क्या है तो मेरी वाइफ ने कहा यार मच्छर ने काटा है इसको और जो ना मोर्टीन का लिक्विड खत्म हो गया अच्छा लिटरली खाना खाने के बाद जब मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलता हूँ तो वहां मोर्टीन लिक्विड का एड आ गया ये कैसे आया मोरटीन वालों ने क्या ऑडियंस के अंदर यूज किया होगा अब आप ब्रेन करते हैं हो सकता है उन्होंने लिखा हो हो मैरिड सकता है उन्होंने कोई कीवर्ड डाल दिया मोर्टीन मेक सेंस कर रही है ना लेकिन अब मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ जिससे आपकी क्लैरिफिकेशन आपके बिजली के जो ना दिमाग के तार हिलेंगे आपके अगर उसने मेरा मेरिट उठाया है और अगर उसने मेरा मोरटीन का टारगेटिंग उठाई है और उसने मेरा माइक से सुना है मोरटीन तो मुझे बताए मोर्टीन का ही क्यों ऐड आया किंग टॉक्स का क्यों नहीं आया ठीक है आपका आ, आ, दूसरा और मोरटीन का स्प्रे का ऐड क्यों नहीं आया लिक्विड हाँ। का क्यों एड आया मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान था इट्स वेरी इजी आप मैंने क्योंकि जब हमने कहा मॉर्टीन का लिक्विड लेना तो मैंने एक गूगल नोट के अंदर मैं सारे नोट्स लिखता हूँ अपने जो मुझे याद रख मैं लिस्ट बना रहा हूँ ग्रोसरी के अंदर मैंने माइक से बोला मोर्टीन लिक्विड मैंने गूगल नोट्स में भी लिख दिया मोर्टीन लिक्विड फेसबुक का मेरा फोन का पूरा एक्सेस है आप इस गलत फेमी में ना रहे है, कुछ भी एक्सेस फेसबुक का पूरा एक्सेस है अब उसने क्या करा जो मोर्टीन वालों ने ऐड लगाया हुआ था एक इमेज को देखा ये इमेज क्या है और उसकी एड कॉपी पड़ी एड कॉपी क्या लिखी हुई है mm. और उस दोनों से मुझे उसको टारगेट करा दिया कि ये लो तुम्हारे कस्टमर खड़ा हुआ मैं फेसबुक mm. की टीम से बात कर रहा था तो मैंने फेसबुक की टीम से सवाल करा कि हाउ स्ट्रांग इज योर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ए आए अगर आप तीन मिनट की वीडियो बनाएं तीन मिनट का एड बनाएं तो तीन मिनट का एड बनना नहीं चाहिए mm. लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन तीन मिनट का एड बनाएं और आप उसके अंदर हमें बताए भी नहीं आप क्या बेच रहे हैं mm. तो फेसबुक के एल्गोरिदम्स को पता लग जाएगा कि आप जूता बेच रहे हैं और सिर्फ यही नहीं वो ये भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो जूता मैन है वुमेन्स mm. है या यूनिसेक्स है दिस इज द रीजन कि आप कोविड के टाइम के ऊपर या अभी भी फेसबुक के ऊपर कोविड रिलेटेड कोई चीज बेचते हैं तो वो एड रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका ए रिफ्लेक्ट करता है कि ये कोविड का मास्क बेच रहा है mm. वो पीछे ह्यूमन नहीं वो है वो बॉट्स हैं एल्गोरिदम्स हैं तो वो पूरी आपकी इमेज और आपका कंटेंट रीड करते हैं एआई और वो इमेज को एक पूल में उस पूल में डालने के लिए लोग ढूंढता है लोग रियल टाइम के ऊपर क्या सर्चेस कर रहे हैं इंटरेस्टिंग और वो लाके आपको अटैच कर देता है तो ब्रॉड टारगेटिंग इज नॉट समथिंग के सोलह साल का बच्चा अगर बी के अंदर हेपेटाइटिस सी या हेल्थ प्रिवेंशन कोई टूल्स नहीं ढूंढना तो उसके बाद चला जाएगा पॉसिबिलिटी होगी बहुत कम होगी लेकिन मेजोरिटी के अंदर फेसबुक के पास इतना डाटा है और इतना रियल टाइम डाटा है कि आप उसको आइडेंटिफाई मतलब अगर मैनुअली कर लें तो नहीं कर सकते सिर्फ फेसबुक और गूगल ही कर सकती है